जय हिंद। कैन यू बिल्ड मसल्स एट होम? क्या आप घर पे मसल्स बिल्ड कर सकते हो, और अगर हाँ तो कैसे? देखते रहिए इस वीडियो एंड तक। दिस इज शुभम दुबे साइनिंग इन टू यू फिटनेस स्टोरीज एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो। दो हजार एक में एक स्टडी हुई थी 40 लोगों के ऊपर, जिसमें से 20 लोग कॉलेज स्टूडेंट थे विथ जीरो वर्कआउट एक्सपीरियंस, और 20 लोग थे एडवांस्ड एथलीट जो कि उस स्टडी में शामिल हुए थे 4 से 5 साल की एक्सपीरियंस के बाद। अब इन दोनों ही कैटेगरी के लोगों को एक ही वर्कआउट स्ट्रक्चर पे डाला गया बॉडी वेट ट्रेनिंग, और उनको उनकी उनकी बॉडी के अकॉर्डिंग सरप्लस डाइट दी गई, ये देखने के लिए कि इनकी बॉडी में चेंजेस आते हैं कि नहीं। बॉडी वेट ट्रेनिंग से घर पे हो, बॉडी वेट से ही तो कर पाओगे, पॉसिबल है। इक्विपमेंट खरीद लिया आपने अगर तो अच्छी बात है। तो इनको बॉडी वेट ट्रेनिंग पे डाला गया, और 2 महीने जज करने के बाद कंटिन्यूसली जो रिजल्ट्स निकल के आए सामने, आप विश्वास नहीं करोगे। जो बिगनर थे, बिगनर कैटेगरी के लोग थे 20 स्टूडेंट्स, उनकी बॉडी में चेंजेस दिखे, उनकी बॉडी में पाउंड्स ऐड हुए, उनका बॉडी वेट बढ़ा, उनकी बॉडी में मसल मास बढ़ा। लेकिन जो एडवांस एथलीट थे, जिनको 6 साल हो गए हैं एक्सरसाइज करते करते, उनकी बॉडी में बहुत माइनर चेंजेस दिखे, 0 to no changes दिखे, उनको चेंज ही नहीं दिखे। वो अपनी बॉडी मेंटेन कर पा रहे थे, लेकिन उनकी बॉडी में मसल मास इंक्रीज नहीं हुआ, उनकी बॉडी का वेट नहीं बढ़ा। अब ऐसा क्यों, ये सोचने वाली बात है। यही स्टडी कोर है इस पूरे वीडियो का। अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वर्कआउट कॉम्प्लेक्सिटी, अगर आप बिगनर हो तो आपके केस में आपका वर्कआउट एक्सपीरियंस 0 है, आपकी बॉडी में मसल मास नहीं है, आपकी बॉडी की जो मसल्स की मेच्योरिटी है वो उतनी नहीं है एडवांस एथलीट के कंपैरिजन में, तो आप अपने वर्कआउट में थोड़ी सी भी कॉम्प्लेक्सिटी डालोगे ना, आपको मैसिव चेंजेस दिखेंगे, आपको मैग्नीफाइंग चेंजेस दिखेंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप बिगनर हो, आपको एक्सपीरियंस नहीं है, आप अपने वर्कआउट को कॉम्प्लेक्स बना रहे हो सिर्फ बॉडी वेट एक्सरसाइज करके। तो हाँ, अगर आप बिगनर हो और अगर बॉडी वेट एक्सरसाइज भी कर रहे हो आप घर पे, तो आप अपने रूटीन में कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा रहे हो, एक्सरसाइज रूटीन की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा रहे हो, तो आप हाँ घर पे मसल्स बिल्ड कर सकते हो। आपको डेली बेसिस पे चेंजेस दिखेंगे, आपको डेली बेसिस पे फटीग आएगा। न्यूट्रिशन अच्छा रखोगे तो आप मसल बिल्ड कर सकते हो इवन कहीं पे भी। अब बात करते हैं यहाँ पे, अगर आप इंटरमीडिएट लेवल पे हो तो क्या आप घर पे मसल बिल्ड कर सकते हो? अगेन, इट इज ऑल अबाउट कॉम्प्लेक्सिटी। स्टडी में क्या देखा गया कि जो एडवांस एथलीट थे उनको चेंजेस नहीं दिखे, क्योंकि वो बॉडी वेट ट्रेनिंग से अपनी ट्रेनिंग को कॉम्प्लेक्स ही नहीं बना पा रहे थे, क्योंकि वो बॉडी वेट ट्रेनिंग से वो फटीग नहीं दे पा रहे थे जो वो जिम में दे देते थे हैवी वेट लिफ्ट करके। समझ में आई इतनी सी चीज? तो एडवांस एथलीट्स को इसलिए चेंजेस नहीं दिखे क्योंकि वो अपने बॉडी वेट एक्सरसाइज से कॉम्प्लेक्सिटी नहीं दे पा रहे थे अपने वर्कआउट रूटीन में, ना वो वॉल्यूम ऐड कर पा रहे थे, ना वो वेट्स ऐड कर पा रहे थे, ना वो वर्कआउट की इंटेंसिटी बढ़ा पा रहे थे। वो सिर्फ एक तरीके का उनके लिए कार्डियोवास्कुलर था, वो सिर्फ उनके लिए एक तरीके का अपनी बॉडी को मेंटेन करके रखने वाली एक्सरसाइज थी, बॉडी की ग्रोथ में उनको हेल्प नहीं मिली। तो यही सेम चीज़ लागू होती है इंटरमीडिएट लेवल पे। अगर आप बीच में हो कहीं 10 महीने 1 साल की ट्रेनिंग के साथ, और आप सोच रहे हो घर पे मसल बिल्ड करना है, तो अगेन इट इज़ ऑल अबाउट कॉम्प्लेक्सिटी। अगर आप घर पे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा पा रहे हो, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाने से मेरा मतलब है वेट ट्रेनिंग कर पा रहे हो, आप वेट ऐड कर पा रहे हो, आपके पास वेट्स अवेलेबल हैं, आप मसल्स में वो फटीग दे पा रहे हो, वॉल्यूम बढ़ा पा रहे हो, इंटेंसिटी बढ़ा पा रहे हो, वो किसी भी तरीके से बढ़ाओ, चाहे रेप्स बढ़ा दो, चाहे सेट्स बढ़ा दो, चाहे टोटल वेट बढ़ा दो, किसी भी तरीके से बढ़ाओ, तो आप मसल बिल्ड कर सकते हो अगर आप इंटरमीडिएट लेवल पे हो तो। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे मैं मेंशन कर दूँ, आपको चेंजेस बिगनर को जिस हिसाब से चेंजेस दिखे थे, बिगनर्स का जो चेंजिंग रेट था, उतनी स्पीड से आपको चेंजेस नहीं दिखेंगे, क्योंकि समय के साथ जैसे जैसे आपकी मसल में चोटी बढ़ती जाती है, जैसे जैसे आपका वर्किंग एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, समय के साथ आपको कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ानी पड़ती है चेंजेस देखने के लिए, और आपकी मसल्स जैसे जैसे मेच्योर होती जाती है उसका ग्रोथ रेट स्लो हो जाता है। अब अगर आप एडवांस्ड एथलीट हो तो आपका जो ग्रोथ रेट है वो सुपर स्लो हो जाएगा एज कम्पेयर टू इंटरमीडिएट, क्योंकि आप ऑलरेडी एडवांस्ड हो, आपको वर्कआउट एक्सपीरियंस आपका बढ़ चुका है, आपकी मसल मैच्योरिटी बढ़ चुकी है, आपके मसल्स उतने बड़े हो चुके हैं, स्ट्रांग हो चुके हैं कि उनकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाना इज नॉट ईजी, सबके बस की बात नहीं होती है। और अगर बढ़ा रहे हो तो जाके जो एडवांस एथलीट हैं, यही तो कारण है सबसे बड़ा, जो एडवांस एथलीट हैं
वो अपनी बॉडी में एकदम फ्रीक्वेंट चेंजेस नहीं देख पाते हैं। उनको महीने डेढ़ महीने के बाद जाके उनका बॉडी का 1 किलो मसल मास या कहूँ मैं 1 पाउंड मसल मास बढ़ पाता है। तो अगर आप बिगिनर हो तो मैग्नीफाइंग चेंजेस दिखेंगे सिर्फ बॉडी वेट एक्सरसाइज करके ही। इंटरमीडिएट हो तो थोड़ी बहुत कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा के, थोड़ा बहुत सामान खरीद के, वेट ट्रेनिंग करके घर पे आप मसल मास गेन कर सकते हो। लेकिन एज़ कम्पेयर टू बिगिनर आपको चेंजेस उनकी रफ्तार से नहीं दिखेंगे। अगर आप एडवांस एथलीट हो तो शायद आपको चेंजेस दिखे ही ना घर पे एक्सरसाइज करके। सो नो, अगर आप एडवांस लेवल पे हो तो आप घर पे मसल बिल्ड नहीं कर सकते। इंटरमीडिएट और एडवांस एथलीट घर पे मसल्स अपने मेंटेन करना चाहें तो कर सकते हैं, जैसा कि स्टडी में हुआ था। बॉडी वेट एक्सरसाइज से एडवांस एथलीट का मसल सिर्फ मेंटेन हुआ, बढ़ा नहीं। आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। किसी भी तरीके का क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन है, ऑनलाइन ट्रेनिंग चाहिए, DM इन इंस्टाग्राम जो कि रहेगी पेड, और क्वेश्चन है तो लिख के रख लो। सारे क्वेश्चंस के रिप्लाई मैं संडे Q&A लेता हूँ। 1-to-1 क्वेश्चन आंसर राउंड रहता है, वहाँ पे जाके आप पूछना, क्योंकि भाई 700-800 क्वेश्चन हो जाते हैं यार, मैं सबको रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ, उसके लिए आई एम सो सॉरी। तो आप वहाँ पे पूछ सकते हो। ट्रेनिंग के लिए आप इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो, लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हो। मिलता हूँ सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दिस इज शुभम दुबे साइनिंग आउट फ्रॉम योर फिटनेस स्टोरीज। बाय।